हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी कोल्ड कॉफ होम रेमेडीज बताऊंगी जो कि मैं खुद भी अपने घर में यूज करती हूँ एंड दैट आर वेरी इफेक्टिव। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली होम रेमेडी के लिए मैंने यहाँ पे अदरक ले ली है, इसको वॉश कर लिया है और ये मेरे पास एक फाइन ग्रेटर है। इस ग्रेटर से मैं अदरक को ग्रेट कर लूंगी। मैंने यहाँ पर अदरक को ग्रेट कर लिया है। ये हम लेंगे एक कप के ऊपर, मैं एक स्ट्रेनर रख देती हूँ और ये जो मैंने अदरक को ग्रेट किया है और स्ट्रेनर के ऊपर मैं सारी अदरक को डाल देती हूँ। अब हम या तो स्पून की हेल्प से या अपनी हाथ की हेल्प से इसके जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें इसका पूरा जूस कप में निकाल लेंगे। इस अदरक में से हमने जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया है और ये जो अदरक इसमें बची हुई है, इस अदरक में से जूस निकल गया है। इवन आप इसको चाय में यूज कर सकते हैं। इसी कप में हम डाल देते हैं हनी। हनी अदरक के जूस से थोड़ा सा ज्यादा डालना होता है और अब इस मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोनों चीजें एक जैसी हो जानी चाहिए। अदरक और हनी का मिक्स रेडी हो गया है और इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। मैं आपको एक बार इसको दिखा देती हूँ। देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अदरक इसमें अलग है और हनी इसमें अलग है। दोनों एक जैसे हो गए हैं। अब इस वाले मिक्स को आप बड़े लोग एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं और छोटे बच्चे इसको आधी आधी चम्मच ले सकते हैं। और ये मिक्स आप 2 से 3 दिन तक बनाकर बाहर स्टोर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरी होम रेमेडी। दूसरी होम रेमेडी के लिए हमने एक पैन में 1 ग्लास दूध लिया है। गैस को हम ऑन कर देते हैं। और ये मेरे पास एक डेट है, ये सीडलेस डेट है। इस डेट को मैं इसमें फाइन चॉप करके नाइफ से डाल देती हूँ। दूध में डेट्स हमने फाइन चॉप करके डाल दिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, इन सब चीजों को मिक्स कर देते हैं। दूध में एक बॉयल आने देते हैं। दूध में बॉयल आ गया है। अब हम इस दूध को लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के आसपास और पकाना है ताकि जो हमने इसमें डेट डाला है उसका फ्लेवर इस दूध में आ जाएगा। और हम इसमें शुगर नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इस दूध में डेट डालने से इसमें अच्छा स्वीटनेस भी आ जाएगा। जब तक हमारा दूसरे बर्नर पर दूध थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए बॉईल हो रहा है लो मीडियम फ्लेम पर, जब तक हम तीसरी रेमेडी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल लिया है। गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। हम इस तेल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो गया है और ये मेरे पास है लहसुन की एक कली थी, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये मेरे पास है यहाँ पर लगभग 1 चम्मच के आसपास अजवाइन, इसको भी इसमें डाल देते हैं भुनने के लिए। और ये मेरे पास है मेथी दाना और इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ भुनने के लिए। इन तीनों चीजों को हम इस तेल में अच्छे से भुनने देते हैं। ये ऑयल बनके हमारा रेडी हो गया है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। इस ऑयल को बिल्कुल ठंडा होने पर आप एक एयर टाइट कांच की शीशी में फिल कर सकते हैं। आई मैं बताती हूँ इसको कैसे यूज करना है। सो फ्रेंड्स, जो अभी हमने ऑयल बनाया था वो आप इस तरीके की किसी कांच की शीशी में फिल कर सकते हैं। आप चाहे तो उसे छान के फिल करें, अदरवाइज आप उसको ऐसे भी फिल कर सकते हैं। ये मेरा पुराना ऑयल है तो इसको आपने कैसे यूज करना है, कभी भी आपको हेडेक हो, बैकएक हो, नी पेन हो या हैंड्स में कभी भी पेन हो, इसको ऑयल को आप हल्का सा गैस पे ल्यूक वॉर्म करके वहां लगा लीजिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। हेडेक हो तो आप हेड मसाज भी इससे कर सकते हैं। लेकिन आप इसको जब किसी बॉटल में फिल करें तो पूरा कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही फिल करें। बच्चों को आप इस ऑयल को कैसे यूज कर सकते हैं, उनको कोल्ड कॉफ हो और वो कभी नैप ले रहे हो दिन में या रात में वो सो रहे हो, तो उनकी चेस्ट पर इसको लगा दीजिएगा और उनके तलवे यानी फुट पर इसको लगा दीजिएगा और उनको सॉक्स पहना दीजिएगा, तो ये ऑयल बहुत अच्छा रहता है कोल्ड कॉफ में। जो दूध था ये मैंने 1 ग्लास दूध लिया था जिसमें मैंने डेट्स, हल्दी और काली मिर्च डाली थी। ये 1 ग्लास से 3/4 ग्लास रह गया है। मैंने इसको बॉयल लेने के बाद 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर भी थोड़ा सा इसको पकाया था। अब ये दूध ल्यूक वार्म है। अगर आप इस दूध को पीते हैं तो ये भी कोल्ड कॉफ में बहुत रिलीफ देता है।
और ये जो हमने ऑयल बनाया था ये भी मैंने इस कंटेनर में फिल कर लिया है, और इसका लिड मैं तभी लगाऊंगी जब ये ऑयल हमारा कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा। जो फोर्थ होम रेमेडी है यहाँ मेरे पास है यूकिलिप्टिस ऑयल। इस ऑयल को आप कैसे यूज कर सकते हैं, आप अपने जब बाथ लेने जाते हैं तो बाथ में जो आप पानी बनाते हैं उस पानी में इसकी 5 से 6 ड्रॉप डाल दीजिएगा और उस पानी से आप नहा लीजिएगा, तो उसकी फ्रेग्रेंस से जो हमारा कोल्ड कॉफ होता है उसमें बहुत आराम मिलता है। लेकिन आपको उस पानी से जिसमें आप ये ऑयल डालेंगे उससे आपको फेस नहीं वॉश करना है, बाकी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी होम रेमेडी है कोल्ड कॉफ के लिए। नेक्स्ट होम रेमेडी में यहाँ पर मेरे पास एक कप है, इसमें मैंने ल्यूकवॉर्म वाटर लिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा हनी। इसको कर लेते हैं मिक्स। इस पानी को अगर आप मॉर्निंग में उठते ही ये वाला पानी पीते हैं तो भी आपको कोल्ड कॉफ में बहुत आराम मिलता है। एंड ऑफ कोर्स गार्गल करना, स्टीम लेना तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ही। और ये जो मैंने आपको यूकिलिप्टिस ऑयल दिखाया है इसको आप चाहें तो जब आप सोने जा रहे हैं इसकी 1 से 2 ड्रॉप अपने पिलो पर अगर आप डाल लेते हैं तो उसकी स्मेल से भी कोल्ड कॉफ में बहुत आराम मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी होम रेमेडीज थी जिनको कि मैं अपने घर में यूज करती हूँ। आई होप आपको अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।